बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे, लेकिन ये वन दो पक्षों में बटा हुआ था। एक पक्ष पशुओं का था तो एक पक्षियों का। दोनों के बीच अक्सर बहस छिड़ी रहती। नहीं, इस जंगल का राजा गरुड़ होगा। नहीं, इस जंगल पर हमारा राज्य होगा। इस बात को लेकर उनमें अक्सर घमासान युद्ध छिड़ा रहता। दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन इस युद्ध में एक जीव ऐसा भी था जो दोनों पक्षों के बीच जा जा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करता। जिस पक्ष की विजय हो रही होती वो उसी पक्ष में जा मिलता। युद्ध के कारण लोगों ने उसकी चापलूसी और इधर उधर की लगाने की आदत पर ध्यान नहीं दिया। इसका उसने खूब फायदा उठाया और एक दिन दोनों पक्षों में संधि हो गई। मित्रों, इस युद्ध का कोई फायदा नहीं है। हम सभी पक्षी सर्वसम्मति से शेर को अपने जंगल का राजा चुनते हैं। मित्रों, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप विश्वास रखें, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। वो स्वार्थी प्राणी कोई और नहीं बल्कि चमगादड़ था। अब वो परेशान था कि किसकी ओर जाए। सबसे पहले वो पशुओं की सभा में गया। महाराज, आप मुझे पशुओं में शामिल कर लीजिए। अच्छा, तो अब तुम पशुओं में शामिल होना चाहते हो। पहले ये बताओ कि तुम पशु हो या पक्षी। मैं पशु हूँ। लेकिन भाई, तुम्हारे तो पंख हैं। तुम हमें बेवकूफ समझते हो। भाग जाओ यहाँ से। तुम पशुओं में शामिल होने लायक नहीं हो। कृपा करके आप लोग मुझे अपने साथ मिला लें। तुम पक्षियों के साथ नहीं मिल सकते। पहली बात तो तुम्हारे पास चोंच नहीं है, और दूसरी बात, तुम स्वार्थी और धोखेबाज हो। वैसे भी तुम्हारे कान चूहों जैसे हैं। तुम्हें चूहों के पास जाना चाहिए। भाइयों, मेरे तुम्हारी तरह लंबे लंबे कान हैं, और मैं तुम्हारी तरह ही बच्चों को दूध पिलाता हूँ। तुम मुझे अपने साथ मिला लो। लो भाई, आ गया धोखेबाज। इसे अपनी बिरादरी में मत मिलाओ, ये किसी भी दिन हमें धोखा दे सकता है। इसके पूंछ में तो नहीं है, तो फिर ये हमारा सदस्य कैसे बन सकता है। अब तो इसे अपने ही स्वार्थ और धोखे के लिए हमेशा अकेले रहना पड़ेगा। ये दिन भर पेड़ पर उल्टा लटकेगा। हाँ। और रात को अकेले घूमेगा। यही इसकी सजा है। बिल्कुल।